लखनऊ के थाना पारा के अंतर्गत रेलवे लाइन बुद्धेश्वर पुल के ऊपर एक बड़ी घटना होते होते बची। बेकाबू डंपर चालक ने डीजल टैंकर में मारी टक्कर। डंपर की टक्कर लगने से डीजल टैंकर का एक हिस्सा फटा। डीजल टैंकर का रोड पर फैला हुआ डीजल कीमत लगभग 6.5 लाख रुपए का डीजल पुल के ऊपर गिरा, पूरे रोड पर फैल गया। डीजल के फैल जाने से यातायात में आने जाने वालों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। घटना पर पहुंची फायर ब्रिगेड पुलिसकर्मियों रोड पर फैले हुए डीजल पर बड़ी तादाद में डाली बालू। ट्रैफिक को रोककर फायर ब्रिगेड अधिकारियों कर्मचारियों ने एक बड़ी घटना होने से बचाई। बेकाबू डंपर दुबग्गा की ओर से कानपुर की ओर जा रहा था। ड्राइवर की लापरवाही से चढ़ा डिवाइडर पर अपनी साइड से आ रहा डीजल टैंकर बेकाबू डंपर की चपेट में आने से टैंकर का पिछला हिस्सा फटा। टैंकर का पिछला हिस्सा फटने से बड़ी तादाद में रोड पर डीजल बिखर गया। घटना के बाद पेट्रोलियम डीजल अधिकारी कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे, पर फायर ब्रिगेड पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद। जैसे कि आपको मालूम है, ये जो एसपी का जो है टैंकर है और एक किसी ट्रक से जो है इसकी टक्कर होगी, तो इसका जो पीछे वाला जो पार्ट है जिसमें डीजल भरा हुआ पूरी तरह से क्रैक होकर जिसके अंदर से लीकेज चालू होगी। तत्काल हमारी गाड़ी जो है सभी लोगों से आगे आलमबाग से आगे और चौक से, और हमारे चौक प्रभारी भी आगे आलमबाग प्रभारी भी है, सभी लोग मौके पर मौजूद है। सर जैसे जो बालू गिराई है, हाँ जो भी लीकेज काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए जो है इस पार मतलब जो है न ले लें डीजल, इसलिए हम लोगों ने जो है ये बालू और मिट्टी जो है लीकेज फैला दिया है जिससे कि जो है कोई स्पार्क वगैरह ना हो। अच्छा, एक बड़ी घटना होते होते आप लोगों ने बचाई है सर, ये तो अच्छी बात है। जैसे कि आपके पुलिसकर्मी सभी आए हैं और पूरी फोर्स है यहाँ मौजूद है, और ये टैंकर जो क्या डंफर जो डंफर डिवाइडर पर चढ़ गया है, उसका जो तेल का टैंकर का नुकसान जो हुआ है, और जैसे कि ये तेल फैल गया है और गाड़ी के नीचे इंजन उधर भी गिरा होगा, तो उधर नीचे रेलवे लाइन पर आपने क्या व्यवस्था की सर? नहीं, उधर गिरा ही नहीं है ना। अच्छा, उधर रोड पे गिरा हुआ है, इसलिए हमने जो है इसको जो है मिट्टी और बालू जो है इससे जो पूरा जो है रोक लिया, और साथ साथ हम लोगों ने फॉर्म भी चलाया। सपोज अगर मान लो अगर इस बार जनरेट होता भी है कि गाड़ी का इंजन चली गर्म ही था, इसलिए हम लोगों ने जो है फॉर्म भी चला दिया जिससे कि इसकी संभावना पूरी तरह से खत्म हो। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।